अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखना, जिनमें से एक जाति का नाम है इंटरकोर्स, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप अपने वाइफ के साथ, जिसे हम बोलते हैं। अगर आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, आप अपनी चुनौतियां कभी निगल नहीं पाओगे। ये प्रभु ने मुझको बोलने के लिए बोला आपको। अगर आप व्यभिचारी हो, आपकी मुश्किलें आपको निगलने वाली बहुत जल्दी। अगर आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, तो ये आपको निकलने वाली है बहुत जल्दी। तो वो सिम्टम जो आपकी बॉडी में कैंसर भी हो सकता है और सिंपल दर्द भी हो सकता है, वो कैंसर में बदलना शुरू होते हैं जब ये पाप आपकी जिंदगी में होते हैं। जब सैमसन दलीला के साथ सो रहा था, तो दलीला ने कहा, ए मुझको बताना तू कैसे पकड़ा जा सकता है, तेरी स्ट्रेंथ का राज क्या है। कहता, कोई नई रस्सियों से मुझे बांधे, सात रस्सियों से तो मैं बंध जाऊंगा। उसने सात रस्सियां ली और बांध दिया और बोला पुलिस्ते को, आ जाओ। जैसे वो आए, उसने कहा, सैमसन पुलिस्ती आ रहे। उसने झटका और वो टूट गया। उसने फिर कहा, नहीं तूने मुझे झूठ बोला, बता तुझे कैसे बांधा जा। आप समझो दिमाग को, दिमाग से। एक बंदा जिसको पता हो कि ये लेडी बार 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 मुझे बांध के लोग बुला लेती है, और फिर भी उसने अपना राज उसे बताया। सोचो उसके दिमाग का हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि जब आप एक औरत के साथ सोते हो जो आपकी वाइफ नहीं, आप सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं हो, दुष्ट आत्माएं भी ट्रांसफर होती हैं आपके शरीर में। आप सोचो अगर एक बंदा एक औरत के साथ सो रहा है और वो औरत बोल रही, अच्छा बता ना तेरी 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 ताकत का राज क्या है। हाँ, मैंने उसको मैंने बांधा, बता तेरी ताकत का राज। अच्छा, तू अगर मुझे रुमाल मेरी जेब में डाल दे तो मैं बंध जाऊंगा। मैंने डाल दिया और मैंने बुलाया, ओ आ जाओ भाई, मैं पता कर लिया राज, आ जाओ सारे इन्हें फाड़ लो। पर जैसे इसको पकड़ने लगे, इसने कहा, नहीं मैंने तो झूठ बोला। तो क्या ये दूसरी बार मेरे को राज बताएगा? नहीं। पर अगर ये सो चुका है और वो दुष्टात्माएं जो दलीला के अंदर है वो उसके अंदर जा चुकी हैं, तो इसके सारे डिसीजन रॉन्ग होंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए व्यभिचार करने वाले लोग कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में, और चुनौतियां हमेशा उनको निकलेंगी, क्योंकि उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी सेक्स लाइफ के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक बंदा मेरे पास आया है, आप जानते हैं मैं बहुत कम मिलता हूं, लेकिन मैं मिलता हूं अभी भी लोगों से। उसने कहा, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, वो अफ्रीका से आया। मैंने कहा, बुलाओ। मैं उससे मिला, उसके साथ एक लड़की थी। मैंने कहा, क्या करना चाहते हो तुम? मैं ये करना चाहता हूं। अच्छा, मैं कहा, आप करते हो एमबीए रहे हो तो आप फिर ये वाला कोर्स तो एमबीए से बिल्कुल अलग है। पता नहीं उसने मुझे दो कोर्स बताए। मान लो एक बंदा बोले कि मैं नॉन मेडिकल कर रहा हूं। हाँ, मैंने जी नॉन मेडिकल में मैंने बहुत आगे बढ़ गया हूं, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी नॉन मेडिकल में कर ली। और बाद में वो बंदा बोले कि मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा करना है जी, या बाद में वो बंदा बोले मैंने आर्ट्स पढ़नी। मेरे को समझ नहीं आई। मैंने कहा, ये कंफ्यूज क्यों है इतना, इसे समझ क्यों नहीं है इतनी, कि ये कर कुछ रहा है, जा कहीं रहा है, इतना बड़ा कोर्स करके ये बोल रहा है कि अब मैं वो कोर्स में जाना चाहता हूं। मैं बैठा रहा, प्रभु से पूछता रहा। मैंने साथ में लड़की को पूछा, मैंने कहा तुम क्या करती? उसका भी सेम आंसर। मैंने पूछा, मैं कहा तुम आपस में कौन हो? कहते हैं हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा अब ठीक है, अब मुझे समझ आई कि तुम लोग कंफ्यूज क्यों। क्योंकि जब तुम मैरिज के पहले सेक्स करोगे, सोओगे, परमेश्वर तुम्हें बुद्धू बना के, मूर्ख बना के रखेगा इस दुनिया में, और तुम्हारी मूर्खता दुनिया का कोई काउंसलर ठीक नहीं कर सकता। तुम्हें जितना मर्जी समझाओ, नहीं ये कोर्स ठीक नहीं है, उसको लगेगा नहीं यही कोर्स ठीक है। क्योंकि बाइबल बताती है कि झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति का पीछा करेगी जिसकी जिंदगी में यह पाप होगा। उसे लगेगा जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही है। और बाद में आपको स्टोरीज मिलेंगी, आ देखो नहीं बंदा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पर देखो की करता आजकल। सुनी स्टोरी कि नहीं सुनी? हां, क्यों? क्योंकि पीछे एक ऐसी स्पिरिट है जो आपको मालूम नहीं कहां से आई। आप सिर्फ यही देखोगे, देखो जी ग्रेजुएशन करके भी ये हाल है, देखो जी पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी ये हाल है, देखो जी आ वाली पढ़ाई करके भी ये हाल है। हालेलुया। क्या सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया? बोलो,
दिया कि नहीं दिया? क्या उसको सपने में वो बुद्धि नहीं दी जो आज तक किसी को नहीं दी? दी कि नहीं दी? क्या वो सबसे सामर्थी राजा नहीं था? हाँ, क्या उसने परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखा था? क्या ये वाला देखना नहीं, पेश करना, देखा था कि नहीं देखा था? तो फिर भी लिखा वो मूर्ति पूजा में फंस गया। क्यों? अगर आप इस चर्च के एक विश्वासी को बोलो, क्या टेस्ट बनी आपकी? वाइफ जड़ी प्रेग्नेंट नहीं हो रही। आप में प्रॉब्लम? हाँ जी, स्पर्म, आपके स्पर्म में प्रॉब्लम थी, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अभी क्या हुआ? अभी है, प्रेग्नेंट है। कितने महीने? 6 महीने। सुनो 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 सुनो, एक ऐसा बंदा जो डॉक्टर से फिर आया हो। हाँ, मैंने एक बंदा पकड़ा है, सभी नहीं पकड़े। हाँ, एक। अब उसको मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर है। हाँ, इसकी इसकी लाइफ में 10 और गवाहियां बनने वाली है। सुनो, जब बंदा खड़ा रहता तो एक टेस्टमनी उसकी सिर्फ सीढ़ी है अगली टेस्टमनी के लिए। सुनो, अगर मैं आज इसको बोलूं कि तू चल, तुझे बेबी तो हो गया, मैं लेकिन मैं चाहता हूं तुझे फाइनेंस भी मिले और चल तुम मेरे साथ एक फलाने बापे के पास, क्या ये जाएगा? नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं जाएगा। पर सुलेमान कैसे चला गया? जबकि सुलेमान की टेस्टमनी तो टू मच बिग थी। प्रभु को सपने में देखना, बुद्धि लेना, सामर्थ्य लेना, ना हारना, भवन बनाना, इतना बड़ा काम करके भी वो एंड के दिनों में मूर्ति पूजा में फंसा। क्यों? बाइबल बताती उसकी 700 वाइव्स थी जो अन्य जातियों में से थी, और जब वो अन्य जातियों की पत्नियों के साथ सोया तो उसकी दुष्ट आत्माएं उसकी पत्नियों की उसकी भी हुई, और जब उनकी दुष्ट आत्माएं उनकी हुई तो वो डिसीजन भी उसके हुए जो उनके थे। आज एक व्यक्ति जो वैश्या के साथ सोते, वो ना सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रहा, वो उसके सारे कर्स अपने ऊपर लेके आ रहा है और सारी दुष्टात्मा अपने ऊपर लेके आ रहा है। कितने समझ रहे हैं? ऐसा क्या हो गया सैमसन सुलेमान को कि सब कुछ देख के भी वो बिगड़ गया? आप शारीरिक तरीके से तो बच सकते हो, कि नहीं जी मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं जी, मैं तो वैश्या के पास ऐसे जाता ही नहीं, मैं तो बड़े सिस्टम लेके जाता हूं। आप शारीरिक बीमारी से तो बच जाओगे, आत्मिक बीमारी से कैसे बचोगे, दुष्टात्मा से कैसे बचोगे? इसीलिए आप टूटे हुए और बेकार हो चुके हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए हर वो व्यक्ति, पहला कुरंथिया 6 उसकी 9 उसकी 10 आयत में लिखा, ना वैश्यागामी, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना मूर्ति पूजक, ना लोभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना वैश्यागामी, ना परस्त्रीगामी, ना पुरुषगामी, ना गे, ना लेस्बियन, ये सब परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। या तो आपका एनिमी आपको निकलेगा या आप उसको निकलोगे, डिपेंड ये करता है कि आप कितने तैयार हो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए कि आप उसे निकल सको। क्योंकि कोई भी सिविलियन बॉर्डर पे खड़ा नहीं हो सकता, एक फौजी खड़ा हो सकता है और फौजी की तैयारी करवाई जाती है और ट्रेनिंग करवाई जाती ताकि वो खड़ा हो सके और जीत सके। इन 6 जातियों में से एक जाति का नाम है खाना, एक जाति का नाम है इंटरकोर्स, एक जाति का नाम है स्लीप, सोना। हर वो विश्वासी जिसको नींद बड़ी प्यारी है वो अपनी मुसीबत को कभी निगल नहीं सकता। नीति वचन में लिखा एक और झपकी, एक और नींद, थोड़ी देर हाथ पे छाती पे हाथ रख के लेटे रहना, लेकर तेरी घटी हथियार बंद के समान आ जाएगी। जैसे एक निहत्थे व्यक्ति को 10 हथियार वाले बंदे घेर ले और वो कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ने कहा ज्यादा सोने वाला मसीही हमेशा ऐसे लोगों के समान होगा जो हथियार बंद लोग उस पे कब्जा करेंगे, उस पे आ जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को रात को पकड़ने के लिए आए थे लोग, सुबह क्यों नहीं? रात क्यों? क्योंकि रात को शैतान अपनी शक्तियों को यूज करते हैं, और अगर आप रात को प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियन नहीं तो या तो शैतान आपको निगलने वाला है या आप उसको निगलने वाले हैं। अगर उस रात को यीशु मसीह को मालूम था कि वही रात है जब शैतान मुझे पकड़ने के लिए आने वाला है और यही रात है जब मैंने प्रेयर में बितानी है, क्योंकि उसी रात में शैतान ने अटैक करना था और उसी रात में यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहना था, कौन जीता? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि या तो आप एनिमी पे कब्जा करोगे या वो आप पे कब्जा करेंगे। संधि कोई नहीं होनी,
ना मैच टाई होने, आई मीन आप फिक्स मैच में हो, आपका जीतना तय है, लड़ना आपको है, लड़ने का तरीका परमेश्वर आपको सिखाएंगे आज। आमीन। एक राजा बिलाम के पास गया, बिलाम को कहता है तू प्रॉफिट है परमेश्वर का, पर बिलाम की एक कमजोरी थी, लालच। उसने कहा मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, आ और इसराइलियों को श्राप दे। इसराइलियों को बिलाम भी श्राप नहीं दे पाया, पता क्यों? उस टाइम के इसराइली पाप से दूर थे, वो प्रोटेक्टेड थे। वो आप जब पाप से दूर हो, आपकी लाइफ कंट्रोल से भरी हुई, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सुरक्षित हो। पर बिलाम ने एक सलाह दी राजे को, कहता मैं इन्हें श्राप तो नहीं दे सकता, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड है, ये मैं इन्हें कर्ज तो नहीं दे सकता हूं, ना इनका नुकसान कर सकता हूं, पर मैं एक सलाह तुझको देना चाहता हूं, तू ऐसा कर कुछ सुंदर लड़कियों को ले और इसराइलियों के बीच में भेज दे। तो राजा ने क्या किया, उसने सुंदर सुंदर लड़कियां इकट्ठी की, सबसे सुंदर, सबको इकट्ठा किया उसने और सबको इकट्ठा करके इसराइलियों के बीच में भेज दिया। और इसराइली उन सुंदर लड़के को देख के लिखा वे विचार करने लगे, एक रात के अंदर 25,000 से ज्यादा इसराइली पुरुष मर गए थे उस दिन, जो एनिमी का श्राप नहीं कर पाया, जो एक प्रॉफिट का श्राप नहीं कर पाया, जो जो शैतान ने कर पाया, जो राजा नहीं कर पाया, वो एक पाप ने कर दिया, जो बड़े बड़े काम राजा नहीं कर पाया। और जैसे ही उन औरतों को भेजा इसराइलियों के बीच में, इसराइली उनको देखा और वे विचार करने लगे, और बाइबल कहती ओवरनाइट रात को 25,000 से ज्यादा लोग, ज्यादा इसराइली पुरुष एक ही रात में मरे थे परमेश्वर के क्रोध के कारण। शैतान गर्जने वाला शेर है, कुछ नहीं कर सकता हम जानते हैं, पर आपका पाप वो कर सकता है जो शैतान भी नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, व्यभिचार के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो किसी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं। अगर आपकी स्लीप के ऊपर, आपकी नींद के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, तो आपकी फायर लाइफ कभी बनी नहीं रह सकती। ऐसे विश्वासी भी हमारे बीच में हैं जो 9 बजे सोते हैं और 9 बजे उठते हैं और सुबह उठ के बोलते हैं गुड मॉर्निंग जीसस, और ऊपर से आवाज आती है बंद हो गया स्वर्ग गुड मॉर्निंग वास्ते, दोपहर हो गए थे गुड आफ्टरनून बोल। हाँ,